welcome back to my channel. If you are new, then don't forget to subscribe my channel. In this video, I will share summer skincare routine and my summer skincare glow up routine. So basically, यहाँ पर मैं आज कुछ beauty hacks, कुछ beauty tips and tricks आप सभी के साथ share करने वाली हूँ, जो summers में आपको काफी help करने वाली है. कुछ do's and don'ts भी आप सभी के साथ share करूँगी and आपको summers में क्या नहीं करना चाहिए वो भी इस video में आपको देखने मिलेगा. बहुत ही ज़्यादा important होने वाला है आज का video, क्योंकि summers are there. As you know, तो समझ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है गाइज, हमारे स्किन को होती है, हमारी बॉडी को होती है. एंड ऑफकोर्स समझ में पॉल्यूशन होता है, स्वेट होता है एंड बहुत ही सारा हमारे फेस में भर भर के ऑयल निकल के आता है, तो उसके वजह से हमारा फेस का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है. तो यहाँ पर हम अपनी स्किन को कैसा अच्छा रख सकते हैं, फेस को कैसा अच्छा रख सकते हैं एंड ऑफकोर्स हाइजीन कैसे रख सकते हैं. सो गाइज, इस वीडियो में आज यही सारी बातें होने वाली है. बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है वीडियो, सो लास्ट तक जरूर देखना. कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो गाइस, सबसे पहली चीज जो हमें समर में करनी होती है, सुबह उठते से ही हमें करना है फेस वॉश. गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारे फेस में भर भर के एक्सेसिव ऑयल आ जाता है, अगर हम उसे जल्दी वॉश आउट नहीं करेंगे ना, तो वो हमारे जो पोर्स होते हैं ना फेस के, उसमें जाके ब्लॉक हो जाएगा, स्टक हो जाएगा. एंड गाइस, इस वजह से हम फेस में काफी सारी प्रॉब्लम देख सकते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट, पिंपल, एक्ने एंड जो दाने होते हैं, ऑफकोर्स पता नहीं कहाँ से समर्स में वो आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है. सो वो इसी वजह से होता है. तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप उठते हो सुबह, तो सबसे पहले फेस वॉश करना है. तो गाइस, यहाँ पर आपको बहुत महंगा फेस वॉश भी नहीं यूज करना है, आप थोड़ा सा रीजनेबल रेट का भी फेस वॉश यूज कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ द मॉम्स कोका नेचुरल क्ले फेस वॉश. गाइस, इसमें मॉर्गन लावा क्ले एंड चारकोल है, ये डीप पोर क्लींजिंग है. जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके पोर्स में जाकर स्टक हो जाता है, तो गाइस ये फेस वॉश आपके जो पोर्स है उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर देगा एंड आपका जो फेस है वो काफी फ्रेश लगेगा, क्योंकि ये क्ले का है. एंड समर्स में आपको ऐसे ही फेस वॉश यूज करना चाहिए जो क्ले के होते हैं, एंड जो विटामिन सी के फेस वॉश होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर एक और फेस वॉश मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये है गुड वाइब्स का रोज, मेरी फेस वॉश है जो हाइड्रेट करता है आपके फेस को एंड ये पैराबेन फ्री है एंड नो मिनरल ऑयल है. सो ये ऑयल फ्री फेस वॉश है, तो हमेशा ऐसा ही फेस वॉश यूज करो जो ऑयल फ्री हो, जिसमें विटामिन सी हो. विटामिन सी गाइस समर के हिसाब से फेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है. So choose हमेशा ऐसा वाला फेस वॉश जो आपके स्किन को हाइड्रेट रखे बट ऑयली ना करे. फेस वॉश करने के बाद एकदम से बहुत अच्छा फील होने लग गया था. यहाँ पर आगे चलते हैं, इसके बाद आपको आपके फेस को बिल्कुल भी ऐसे खाली नहीं छोड़ना है, मतलब फेस वॉश करके आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं घूमना है. जैसे फेस वॉश करते हो ना, डैम डैम करके आप पहले स्किन को क्लीन कर लो, स्किन को सोक कर लो, देन इसके बाद आपको लगाना है टोनर. तो गाइज, यहाँ पर टोनर भी आपको बहुत अच्छा लगाना है जो आपके स्किन को बिल्कुल एकदम फ्रेश रखे. हमेशा टोनर को चेंज नहीं कर देना चाहिए, अगर आपको एक टोनर सूट होता है तो आप हमेशा उसको लास्ट तक ही यूज करो एंड हमेशा ऐसा वाला टोनर चूज करो जो एल्कोहल फ्री हो, ताकि आपके फेस को कोई इफेक्ट ना करे, आपके फेस को बिल्कुल भी हार्म ना करे, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो आपके फेस में लगाते ही जलने लगता है. तो हमेशा ऐसा टोनर अवॉइड करना चाहिए. तो यहाँ पर मैं जो टोनर अप्लाई कर रही हूँ वो है द मॉम्स कोका नेचुरल डेली फेस टोनर, जिसमें है विटामिन सी. सो गाइस, ये टोनर मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा. गाइस, ये जो टोनर है आपके पोर्स को टाइटन करता है एंड इवन स्किन टोन करता है. ये अल्कोहल फ्री है तो ऑफकोर्स आपके स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, तो आप ये टोनर यूज कर सकते हो. एंड नॉर्मली जो टोनर मैं गुड वाइब्स के अप्लाई करती हूँ, गुड वाइब्स के यूज करती हूँ, वो तो काफी ज्यादा अच्छे हैं. अगर आप द मॉम्स का टोनर नहीं यूज करना चाहते हो या नहीं यूज करते हो या आपको सूट नहीं करता है, तो आप यूज कर सकते हो गुड वाइब्स का. ये विटामिन सी का ग्लो टोनर है जिसमें विटामिन सी भर भर के हैं और आपके स्किन को एकदम फ्रेशनेस देगा. जैसे कि मैंने कहा कि आपको अल्कोहल फ्री यूज करना चाहिए टोनर, तो ये भी अल्कोहल फ्री है एंड पैराबेन फ्री है, तो यस आपकी स्किन को ये लाइटन करेगा. एंड समर में गाइस ऐसे टोनर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं स्किन को, हम ध्यान नहीं देते हैं बट गाइस समर में हमें अपनी स्किन को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक कोई भी अच्छी सी क्रीम यूज कर लेना है, ध्यान रखें कि वो ऑयली ना रहे, क्योंकि समर में ऑयली चीजें बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए. स्किन ऑलरेडी ऑयली रहती है, ऊपर से हम ऑयली वाली चीजें यूज करेंगे तो बताओ स्किन का और क्या नहीं हाल होगा. तो यहाँ पर मैं गुड वाइब्स की कोकोनट ब्राइटनिंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस में, जो कि बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है और ये आपकी स्किन में तुरंत जाके एब्जॉर्ब कर लेगी एंड आपकी स्किन को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाएगी एंड हेल्दी बनाएगी एंड आपकी स्किन को ब्राइटन भी करेंगी.
नेक्स्ट है यहाँ पर जो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हमारे हेयर केयर के बारे में। गाइस जब भी आप हेयर वॉश करते हो तो हमेशा ऑयल यूज करना ही है आपको। जो आपके हेयर्स को सूट होता है आप वही ऑयल यूज करो। यहाँ पर मैं कोकोनट का ऑयल यूज करती हूँ और आप सभी को बताएं कि समर में हेयर्स का कितना ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, स्वेट आने लगता है, स्वेट आने की वजह से डैंड्रफ हो जाता है, हेयर्स ईचिंग करने लगते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। और हमें लगता है, हमें क्या, एक्चुअली सभी को ही लगता है कि हमारे हेयर इतने जल्दी जल्दी क्यों गंदे होने लग गए हैं। तो एक एक दिन में, दो दो दिन में, मतलब जिस दिन हेयर वॉश करते हैं उस दिन ही हमारे हेयर गंदे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ कि समझ में हमेशा आप ऑयल के साथ एलोवेरा जेल यूज किया करो। एलोवेरा जेल गाइस हेयर के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा होता है, प्लस आपकी जो स्किन है, हेयर की जो स्किन है उसको वो हाइड्रेट रखेगा एंड जो स्किन में जो पानी की कमी हो जाती है वो काम वो एलोवेरा जेल करेगा एंड एकदम आपके हेयर्स को फ्रेश रखेगा। सो यहाँ पर मैं आपको फटाफट से बताती हूँ कि मैं अपने हेयर्स का कैसे केयर करती हूँ। तो जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है ना तो उसके दो घंटे पहले यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल लूंगी। कोकोनट ऑयल जो होता है वो हर किसी को सूट होता है और वैसे तो हमें कोकोनट ऑयल ही लगाना चाहिए। आपने देखा होगा हम बचपन में छोटे थे तो हम कोई भी ऐसा वैसा ऑयल यूज नहीं करते थे, हम सिर्फ कोकोनट ऑयल ही यूज करते थे और कोकोनट ऑयल लगा के ही हम स्कूल जाते थे। तो उस टाइम पे आप देखते होंगे कि आपके हेयर्स कितने अच्छे होते थे, कितने हेल्दी होते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी एंड लॉन्ग भी होते थे, ऑफ कोर्स जल्दी जल्दी हेयर ग्रोथ भी होते थे। गाइस एलोवेरा जेल यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का ले रही हूँ जो कि मल्टीपर्पज जेल है। आप इसे फेस में भी यूज कर सकते हो, हेयर में भी यूज कर सकते हो, जो आपके हेयर्स को नरिश करेगा। तो गाइस ये नो पैराबेंस है, नो मिनरल ऑयल है, तो गाइस ऑफ कोर्स आपके हेयर्स को तो काफी अच्छा रखेगा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से ऑयल बना ली हूँ, तो अभी आपको करना है अपने हेयर्स में ऑयलिंग। फटाफट से ऑयलिंग कर लेंगे है ना, अच्छा खासा मसाज दे देना है आपको। लगाने के बाद गाइस इसे दो घंटा अच्छे से रखना है और इसे रखने के बाद गाइस मैं अपने छोटे मोटे जो काम होते हैं ना वो करने लगती हूँ। जैसे आजकल यहाँ मॉर्निंग में मैं एक मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, जीरा वाला पानी, जो कि वेट लॉस ड्रिंक है। हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम में भी एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप सभी के साथ ये पिक शेयर करी थी। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि ये ड्रिंक कौन सी है, क्या है, तो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। ये है, मैंने वार्म वाटर ली हूँ, देन उसमें मैंने आधा जो TSP होता है ना वो मैंने भुना जीरा पाउडर ली हूँ। गाइस ये इतना ज्यादा असरदार होता है, प्लस यहाँ पर दूसरा ड्रिंक आप और बना सकते हो जबकि स्किन के लिए बहुत हेल्दी रहेगा, आपकी स्किन को नरिश करेगा, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने जीरा पाउडर डाला है वैसे ही आप यहाँ पर हनी डाल सकते हो। हनी आपको ज्यादा नहीं डालना है, आपको सिर्फ एक चम्मच डालना है। और यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ा सा नींबू, दोनों को मिक्स करके यहाँ पर आप ड्रिंक लेते हो। डेली मॉर्निंग में आपको खाली पेट लेना है। अगर आप इसे लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा असर करेगा आपकी बॉडी में तो असर करेंगे, आपका वेट लॉस होगा ही, प्लस जो हनी होता है आपके फेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप उसे कंज्यूम करते हो तो आपको असर फेस में दिखेगा। तो ये जो ड्रिंक है आप समर में लेते हो तो आपको सीधा असर आपके फेस में दिखेगा। गाइज यहाँ पर मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूजफुल ट्रिक आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। गाइज आपको अगर बहुत ज्यादा स्वेट आता है अंडर आर्म्स में, वैसे समर सीजन चल रहे हैं, स्वेट आना बहुत कॉमन बात होती है, हर किसी को स्वेट आता है, बट गाइज आप स्वेट से थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हो। कैसे? सो गाइज यहाँ पर जब भी आप बात लेते हो ना, बात लेने के बाद यहाँ पर आपको अंडर आर्म्स में फिटकरी यूज कर लेना है। यहाँ पर मैंने आपको शो कर रही हूँ, ये यूज करना है आपको। फिटकरी जो होती है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, हम उसको मल्टीपल यूसेज होती है वो, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इसे स्वेट के लिए। गाइज ये ट्रिक मैंने अजमाई हूँ, ट्रस्ट मी 101% इफेक्टिव है। अब दिन भर सर्वाइव कर लो, आपको इतना सा भी स्वेट नहीं आएगा। सो ये ट्रिक बहुत ज्यादा यूजफुल है, आप जरूर ट्राई करना। गाइज जब भी आपको हेयर वॉश करना होता है, आपके सर में हेयर ऑयल लगा होता है और शैम्पू से भी वो हेयर ऑयल नहीं जाता है, आपको ढेर सारा शैम्पू लग जाता है आपको सिर्फ ऑयल को निकालने के लिए, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो पतंजलि का हेयर क्लींजर। तो यहाँ पर पतंजलि का, केश कांति का, यहाँ पर मैं एलोवेरा का हेयर क्लींजर यूज करूंगी। गाइस इसको थोड़ा लेते ही आपके जो हेयर के सारे ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाएगा और जो हेयर्स है वो काफी अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी आपका जो सूटेबल है, आपके हेयर्स को जो सूट करता है, आपको शैम्पू लगा लेना है एंड यू गुड टू गो। सो गाइस बात ले लिया, हेयर वॉश कर लिया, अब क्या?
सो गाइज यहाँ पर मैं यूज करूंगी स्क्रब। वैसे तो यहाँ पर मैं एवर यूथ का ये वॉलेट का स्क्रब यूज करती हूँ, बट गाइज यहाँ पर हमारी जो स्किन हो जाती है बाथ लेने के बाद वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। पेडिक्योर करते टाइम भी आपने देखा होगा कि जब हम पानी में पैर को भिगो के रखते हैं तो उसकी स्किन छोड़ने लगता है, जो रफ स्किन होता है वो छोड़ने लगता है, फिर देन उसको हम रब करते हैं या जो फूड मसाजर होता है उससे करते हैं तो डेड स्किन जो होती है वो रिमूव हो जाती है। तो गाइज ऐसा ही कुछ होता है हमारे स्किन के साथ में भी। यहाँ पर इंस्टेंट करूंगी मैं स्क्रब, तो स्क्रब के लिए यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का ये ब्राइटनिंग फेस स्क्रब है। गाइज ये नो पैराबेन है, नो मिनरल ऑयल है एंड गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट है ऑफकोर्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है एंड बहुत ज्यादा रीजनेबल रेट होते हैं, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं। यहाँ पर जो भी मैं आप सभी के साथ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ ना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होने वाले हैं। गाइज ये जो स्क्रब है, ट्रस्ट मी, ये जो स्क्रब है मुझे बहुत 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 ही ज्यादा पसंद आया। समर के हिसाब से ये जो स्क्रब है मस्ट मस्ट ट्राई गाइज, बहुत प्यारा स्क्रब है। कितना प्यारा है, एकदम मतलब ठंडक पहुंचती है फेस में, एकदम ठंडा ठंडा लगता है। आप एक बार जरूर ट्राई करें, मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको कैसा लगा ये स्क्रब। यहाँ पर मैं ट्राई करूंगी एक फेस मास्क, ये है गुड वाइब्स का रोज का हाइड्रेटिंग फेस मास्क। इस फेस मास्क को मैं लगा लूंगी। गाइज समर में आपको इसे वीक में एक से दो बार आपको लगाना है, देन आप अपने स्किन को इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतनी प्यारी स्किन लगती है इस फेस मास्क को लगाने के बाद। मैंने अपने पूरे फेस में इस तरीके से लगा ली हूँ और आप देखोगे कि इसे सूखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप इसे वॉश करोगे ना तो आप अपनी स्किन को देखोगे, वाह बहुत प्यारी स्किन लगने लगी, बहुत प्यारी। फेस को खाली बिल्कुल मत छोड़ो, कुछ ना कुछ इसमें लगाओ। तो टोनर बहुत अच्छी चीज होती है, इसलिए मैं टोनर सजेस्ट करती हूँ और डे क्रीम सजेस्ट करती हूँ। तो आपको डे क्रीम हमेशा मतलब डेली लगाना चाहिए, जब आप थोड़ा भी मेकअप कर रहे हो ना तो आपको डे क्रीम को इंक्लूड कर देना है उसमें, ताकि जो डे क्रीम है ना उसका असर आपके फेस में बना रहे। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगी गुड वाइब्स का ये विटामिन सी का टोनर, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। काफी सारे अच्छे टोनर है गुड वाइब्स के, बट जिसमें से समर के लिए ये टोनर बहुत अच्छा रहेगा फेस के लिए। एंड गाइज सनस्क्रीन मस्ट, समर के लिए सनस्क्रीन मतलब एक वरदान होता है। अगर आप कभी भी बाहर जाते हो, स्किन केयर कर रहे हो, सनस्क्रीन उसमें इंक्लूड करना ही करना है। विदाउट सनस्क्रीन अगर आप बाहर जाओगे तो आप सोच सकते हो आपकी स्किन का क्या हाल होने वाला है। सनस्क्रीन को प्लीज समर में स्किप बिल्कुल मत करो। हाथों के लिए अगर आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाना है ना तो आप ये ट्राई करो, ये है वैसलीन का हेल्दी ब्राइट सन प्लस प्रोटेक्शन एसपीएफ 30, वाओ, जो कि मल्टी विटामिन यूवी लोशन है, प्लस यहाँ पर वैसलीन जेली है, पीए प्लस है, पॉल्यूशन प्रोटेक्शन फॉर्मूला है और ये आपको 30 गुना प्रोटेक्शन देता है। अगर आप कोई अदर सनस्क्रीन ना भी लगाते हो ना हाथ पैरों में, आप ये भी लगा के चले गए तो आपके हाथ और पैरों को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिलने वाली है, ट्रस्ट मी। एंड सबसे मेन चीज, अवॉइड हैवी मेकअप। मेकअप हमेशा गर्मियों में हैवी मेकअप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो स्वेट निकलता है ना वो फाउंडेशन में मिक्स हो जाता है एंड जो है ना मिक्सअप होके आपके जो पोर्स है उसको स्टक कर देता है, जो आपकी स्किन को हार्म करता है एंड आपकी स्किन अंदर से डैमेज भी हो सकती है। गाइज ऑलवेज ड्रिंक अ लॉट, ताकि जो आपकी बॉडी है वो हाइड्रेट रहे। कि आप नारियल पानी भी पी सकते हो, आपको दिन में एक बार तो भी नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी आपको नहीं पता है वो आपके स्किन के लिए, बॉडी के लिए कितना ज्यादा यूजफुल होता है। समर सीजन है इसलिए हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए यहाँ पर नारियल पानी बहुत अच्छा हो सकता है। एंड ऑलवेज गो फॉर अ सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल। गाइज यहाँ पर आप अपनी स्किन को मोर ब्यूटीफुल एंड हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर आप एक शीट मास्क जरूर यूज करें, मतलब 15 डेज आपको एक शीट मास्क तो भी जरूर यूज करना है। अगर जैसे कि बाहर जाते हैं फेस में बहुत ज्यादा टैनिंग आ जाती है, फेस में बहुत ज्यादा थकान आ जाती है, तो शीट मास्क जो होता है वो आपके फेस की थकान को निकालता है, आपके फेस को नरिश करता है, प्लस आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखता है, ग्लोइंग बनाए रखता है। सो गाइस दैट्स इट, आई होप आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ होगी। एंड जैसे कि मैंने कहा आपकी बॉडी को समय में हाइजीन रखना चाहिए। सो गाइस हैव अ बाथ ट्वाइस अ डे, आपके स्किन को हाइजीन रखो। और जैसे कि मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, आई होप आप वो चीज फॉलो करोगे। ओके वेट अ सेकंड, आप सोच रहे होंगे मैं कब से वीडियो शूट कर रही हूँ एंड मेरे फेस में इतना सा भी स्वेट नहीं आ रहा है, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैंने स्वेट प्रूफ एंड यहाँ पर समर स्पेशल मैंने ये छोटा सा मेकअप का ट्यूटोरियल दी हूँ, जो कि टीनेजर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, हेल्प होने वाला है इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि मैं अब तक देखिए आप मेरे फेस में इतना सा भी स्वेट नहीं दिख रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है एंड यहाँ पर एक सिर्फ फैन है एंड वो भी मैंने बहुत स्लो में रखा है, क्योंकि इसकी आवाज से मुझे वीडियो में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है एंड फेस के ऊपर से लाइट पड़ रही है। सो मेरे फेस में इतना सा
अभी स्वेट नहीं आया है। सो ये वीडियो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है समर में, क्योंकि समर के लिए यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा मेकअप ट्यूटोरियल दी हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से यहाँ पर आई बटन में टैप करिए एंड वीडियो आप पूरा फुल वॉच कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।